हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप माहेश्वरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक PS स्मार्ट पर। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML एंड बेसिक CSS में नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं। और मैं नेविगेशन बार बनाने से पहले मैं दोस्तों आपसे चाहूँगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाता हूँ और इसमें एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा। मैं इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। इसको मैं नया नेविगेशन डॉट HTML एक्सटेंशन के साथ हमें सेव करता हूँ और मैं इसको हम हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं शिफ्ट प्रेस कर एक्सक्लेमेशन सिंबल प्रेस कर एंटर हिट करता हूँ, तो हमारा ये HTML स्ट्रक्चर आ जाता है। और अब मैं इसमें टाइटल में लिखूँगा नेविगेशन बार। अब मैं इसमें बॉडी में जाकर के एक अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। अब आप पूछ रहे हैं कि अनऑर्डर लिस्ट बना रहा आपने, तो बोला नेविगेशन बार का, लेकिन आगे चल के नेविगेशन बार ही मैं नेविगेशन बार ही बना रहा हूँ। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब अनऑर्डर लिस्ट में हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे और ये फिर हम इसी तरह अपना नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे। तो मैं इसमें एक लिस्ट देख लिया और इसके अंदर मैं इनका टैग लूँगा और इसमें फिर हाइपर रेफरेंस लिंक HREF का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस। अब इसमें मैं अपनी लिंक क्रिएट करूँगा, तो मैं हैश ताकि हमारी हम अपने लिंक पर सॉरी प्रेस क्लिक करें तो पेज वहीं के वहीं रहे, कहीं पर भी नहीं जाए। अब मैं को क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ HOME फॉर्म, ये हमारा मेन्यू बार का फर्स्ट ऑप्शन होम। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सॉरी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। मैं इसे 5 टाइम पेस्ट करूँगा, मैं इसको 5 टाइम प्रेस किया। अब मैं इसमें आता हूँ, इसके बाद अबाउट पर, यहाँ पर मैं अबाउट ऑप्शन बनाऊँगा और यहाँ पर हमारे लिंक में अबाउट, के बाद सर्विसेस में अब यहाँ पर भी हम अपनी क्लिक करेंगे तब हम, ताकि हमारा वो कहीं नहीं जाए, तो इसलिए हमने हेज का यूज़ किया है। हम लेंगे कॉन्टैक्ट पेज भी रहता है, किसी भी वेबसाइट के पेजों में कॉन्टैक्ट, और लास्ट हम लेते हैं हेल्प हेल्प। हम इसको कंट्रोल सेव करता हूँ। अब हम ब्राउज़र पर चलेंगे, इसको देखेंगे कि ये हम मैं ब्राउज़र पर रन करने के बाद कैसा दिखता है। तो मैं इसके लिए डेस्कटॉप स्क्रीन पर चलकर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन पे जाकर ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ, तो ये हमारी ये एंकर लिंक भी क्रिएट हो गई और लिस्ट भी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसको नेविगेशन बार में बनाएंगे। इसके लिए हम
अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस लिस्ट को, हमें एक नेविगेशन बार क्रिएट करना है। तो हमें ये जो वर्ड है जो हमें ब्राउज़र पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कॉलम टाइप में, तो हमें इसे रो में सेट करना है। तो ये अबाउट यहाँ, फिर इसके बाद सर्विस, फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट, फिर इसके बाद हेल्प। तो इसके लिए हमें क्या सी एस एस यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ अपने हेड सेक्शन में जहाँ हम सी एस एस लगाते हैं। तो मैं सीएसएस लगाऊंगा यहाँ पर। तो सीएसएस के लिए मैं, हमें स्टाइल टैग ओपन एंड स्टाइल टैग क्लोज। अब हम प्लॉट को कुछ एक रो में लेने के लिए हम प्लॉट को एक सीएसएस देंगे इस लिस्ट को, इस लिस्ट आइटम को सीएसएस देंगे। तो इसके लिए हमें इनको रो में करने के लिए फ्लोट लेफ्ट एक सीएसएस नाम की प्रॉपर्टी आती है। तो हम उसको यहाँ पर करेंगे फ्लोट लेफ्ट। हम फ्लोट लेफ्ट प्रेस किया, सॉरी, हाँ, फ्लोट लेफ्ट सीएसएस दी, और इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और अब हम ब्राउज़र पर चलकर इसे देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। तो मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, और ब्राउज़र पर चलते हैं। मैं कैसे कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया, तो ये कुछ बुलेट और ये एक के ऊपर एक आ रही, तो हम इसका भी सॉल्यूशन अभी करते हैं। तो ये देखा, हमने अपने फ्लोट को लेफ्ट कर लिया, और ये कुछ कुछ नेविगेशन बार में डाइवर्ट हो ही रही हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जो हमारी बुलेट्स आ रही हैं इसको हटाने के लिए हम इसकी, और अब हम इसमें जो ये बुलेट्स दिख रही हैं तो इनको हटाते हैं। तो इसके लिए हम फिर सी एस एस का अनऑर्डर लिस्ट पर सी एस एस लगाएंगे। इसके लिए मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा, जो सी एस एस में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो बुलेट सभी हट जाएंगे। तो मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और ब्राउज़र पर जाकर इसे रन करता हूँ। तो ये देखिए, हमारे सभी बुलेट्स हट चुके हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसकी मार्जिन और पेडिंग दे देता हूँ 0। तो ये थोड़ी जो फालतू की मार्जिन और पेडिंग आ रही है वो हट जाएंगे। तो मैं इसमें मार्जिन दूंगा, मार्जिन भी 0 एंड पेडिंग। ये क्या हो रहा है, टाइप ही कर दूंगा इतना तो। पेडिंग, पेडिंग 0। अब देखना है इसके चारों तरफ की कुछ कुछ मार्जिन और पेडिंग हट, मार्जिन एंड पेडिंग हट जाएंगे। तो मैं इसे कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पर गया, कंट्रोल आर से रन किया। ये देखिए, मार्जिन और पेडिंग हट चुकी हैं। अब हम इसमें एक पीसेस और लगाते हैं, ओवरफ्लो हिडन, ताकि मैं आपको बताऊंगा बाद में ये कहाँ काम आएगी। तो योर फिलो हिडन, मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये हमारा ब्राउजर पर, मैं चल के आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमने बुलेट्स भी हटा दी, मार्जिन पेडिंग भी हटा दी। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पर, और अब हम इसमें, अभी हम क्या करेंगे, अब जब हम इसमें अपने इंकटेक के लिंक पर जाकर अपने मेनू बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो तब वहाँ पर क्या डिस्प्ले होगा, किस तरह का वहाँ बिहेवियर करेगा। तो मैं अब क्या करूँगा, ए मीन्स एंकर टेक,
ये वाला, और उसके बाद ही मैं लिंक लिंक के बाद में क्या करूँगा, जब इसके लिंक का टेक की लिंक पर हम विजिट करेंगे तो क्या होगा, वो हम इस प्रॉपर्टी में सीएसएस लेंगे तब पता चलेगा क्या होगा। कुछ 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 मिस्टेक क्या आ रही है इसमें से? तो नहीं, मिस्टेक तो भी नहीं है, तो फिर क्यों आ रही है? नहीं है कोई मिस्टेक नहीं। तब हम इसको क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले ब्लॉक की तरह दिखे दिखेंगे जो हमारे ऑप्शन है वो, एंड फॉन्ट वेट बोल जो हमारे फॉन्ट रहेंगे हम फॉन्ट लगाते हैं। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लिखेंगे इस पर डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक, इसके बाद हम इसका फॉन्ट जो हमारे ऑप्शन के फॉन्ट है होम वगैरह इनको हम बोल्ड करेंगे हैं, इसके लिए हम फॉन्ट वेट बोल्ड बोल्ड करते हैं, और इसी के बाद हम अपने फॉन्ट का जो कलर है उसको हम रखेंगे इस तरीके का वाइट, यस हम वाइट रखते हैं, चलो वाइट रख देते हैं। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को हम बैकग्राउंड कलर किस पे अच्छा लगेगा पहले तो अपन इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। आ गई बैकग्राउंड कलर, हम रखेंगे ऑरेंज, ऑरेंज रखते हैं, है नहीं है कि अच्छा ठीक है ऑरेंज रखी। और अब मैं इसमें विड्थ रखूँगा 120 या 100, 110 रखते हैं, 110 विड्थ रखी 110 पिक्सल। और इसी के, अरे यार ये गॉट बोले तो बकरी बहुत चिल्ला रही है, दिन में ऐसे ही होता है यार, आज मेरे को दिन में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो सॉरी दोस्तों, वो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस चक्कर में मैं थोड़ा सा रुक गया था। अब मैं सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ तो सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। अब हम चलते अपनी अपना कोड लिखते हैं। तो इससे विड्थ, सॉरी हमने बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था और कलर वाइट कर दिया था,
एंड फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिए थे। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट एलाइन सेंटर कर देते हैं ताकि हमारे टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें पैडिंग दे देते हैं 4 पिक्सल, फोल्डिंग 4 पिक्सल। मिस्टेक क्या हो रहा है, नहीं मिस अंडरस्टैंड। 4 पिक्सल एंड फिर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जैसे भी हमने टेक्स्ट लिखे हम सभी को अपर केस में कर देते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में कर दिया। एंड अब हम टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर देते हैं, जिससे कि किसी प्रकार की डेकोरेशन टेक्स्ट पर नहीं है। तो इसके लिए लिखना ही पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन। अब आया अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं, कंट्रोल आर से रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमने इसका कलर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था, तो हमारा बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। और जो फॉन्ट का कलर है वो एकदम वाइट नहीं है, तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ये हमारा फॉन्ट का कलर, मैं कंट्रोल से सेव किया, ब्राउज़र पर गया, कंट्रोल से रिफ्रेश किया, तो ये देखिए अब हमारा फॉन्ट का कलर वाइट हो गया। और हमने इनके बीच पेडिंग दी हुई है 4 पिक्सल। और तो हमने इस तरीके से अपना एक मेनू बार क्रिएट किया है। आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और एक दो बार करके देखेंगे तो आपको भी ये मेनू बार बनाना आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये हमने दोस्तों अपने मेनू बार की, HTML मेनू बार की, और उसमें कुछ बेसिक CSS यूज़ करके हमने अपने HTML और कुछ बेसिक CSS की कोडिंग करके हमने अपना ये मेनू बार क्रिएट कर लिया है। और आप अगर चाहें तो आप भी इस तरह प्रैक्टिस करके, आप इस वीडियो को फॉलो करके इस तरह का नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सेम नोटपैड पर भी इसकी कोडिंग कर सकते हैं और किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको इससे आप ज़रा भी कुछ सीखे हैं, आपको यहाँ वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के न्यू थॉट्स और टेक्निक लेकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।